मेरा नाम सानिया कुमारी है। हम अमरपुर गांव से आए हैं। एक छोटा सा मतलब स्कूल है, उसी स्कूल से आए। आज मेरा एग्जाम बहुत ही बढ़िया गया। फुल तैयारी था मेरे तरफ से, बहुत बढ़िया गया। क्वेश्चन भी बहुत इजी थे, हम लोग ने अच्छे से रिवाइज किया था, इसलिए सारे क्वेश्चन हम लोग को इजी लगा। 80 में कितने अंक आने की संभावना है? 80 में 80 बना है, जिसमें से 10 नंबर कैसे भी कट जाता है, सबका कटता है, इसलिए मेरा भी कटेगा। 70 प्लस तो आना ही चाहिए। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अमीशा कुमारी है, मैं भी अमरपुर से ही आया। तुम्हारा कैसा रहा एग्जाम? बिल्कुल मस्त गया। 80 में तो 80 बनाया, उस पर डिपेंड करता है कितना नंबर देगा, लेकिन अच्छा नंबर मिलेगा। क्वेश्चन के आंसर कैसे थे? बहुत अच्छा था, अपने भाषा में लिखे तो ज्यादा बेटर आंसर देगा। क्या बनना चाहती है आप? अभी फ्यूचर नहीं पता, बट कोशिश करेंगे कुछ बनने के। क्या बनना चाहती हो? मैं तो बिहार पुलिस में जाना चाहूँ। क्या नाम है आपका? आयशा परवीन। कहाँ से आई एग्जाम देने के लिए? बेगूसराय पटेल चौक से। तो आज के एग्जाम के बारे में क्या करना चाहिए, कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत अच्छा था, बहुत इजी क्वेश्चन था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आप? सारे बना लिए थे। कितने अंक आएंगे 80 में? 80 में आएंगे, वैसे बनाए तो बहुत अच्छा है, अब जैसा है पता। अच्छा, क्या बनना चाहती है भविष्य में आप? सोचा तो है वकील बनना। क्या नाम है आपका? शुभायला। आज का एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा। क्वेश्चन का आंसर कैसा था? बहुत इजी, और जो याद किया उसके लिए इजी ही था, अच्छा था। तैयारी कैसी रही कोविड काल में आपकी? बहुत अच्छा, घर पे बैठ के थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन बहुत अच्छा गया। एग्जाम कैसे गया आपका? बहुत 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 अच्छा। क्वेश्चन कैसा था? बहुत अच्छा। कोविड में तैयारी कैसी रही आपकी? बहुत अच्छा। प्रीति कुमारी। कहाँ से आई है? मुंगेरीगंज से। तो आपका जो आज एग्जाम गया सोशल साइंस का एग्जाम, तो कैसा रहा एग्जाम आज का? बहुत अच्छा एग्जाम गया। क्वेश्चन के स्तर कैसे थे? बहुत अच्छे थे, सारा क्वेश्चन अच्छा था, सारा क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अच्छे अंक आएंगे ना? हाँ जी, जरूर आएंगे। कितने परसेंट आपको मार्क्स आने की संभावना है? मिनिमम 85% आ जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है। कहाँ से एग्जाम देने के लिए आप आई थी? हम टाउनशिप से आए थे एग्जाम देने। मेरा नाम शबनम कुमारी है। तो क्वेश्चन कैसे थे? क्वेश्चन सब अच्छा था, जो हम पढ़े थे सब आया था। ऋतु। कहाँ से आई एग्जाम देने के लिए? आनंदपुर से। कैसा रहा एग्जाम आज का? अच्छा था। क्वेश्चन का आंसर कैसा था? अच्छा ही था। कितना मार्क्स आने की संभावना है? 80 मार्क्स है, मतलब मैक्सिमम 17। आपका कहाँ से आई आप? नाम क्या आपका? स्मृति सुमन। कहाँ से एग्जाम देने के लिए आई? आनंदपुर से। आप क्या करना चाहेंगे आज के एग्जाम के बारे में? बहुत अच्छा गया। आपने कैसा अटेम्प्ट किया क्वेश्चन आप? 80 में 76 तक आ जाएगा। 80 में 76? तो फिर अगर 20 मार्क्स उसे जोड़ दे तो 96 हो जाएगा, 90 प्लस। हाँ। चलिए, क्या बनना चाहती हैं आप? हम इंजीनियर। अर्पिता। अर्पिता कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत अच्छा। अच्छा, क्वेश्चन के स्तर कैसे थे? अच्छे थे, इजी थे, सारा बना लिया है। अच्छा, कोविड में तैयारी कैसी रही, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था? ठीक है। अच्छा, 80 में कितने अंक आएंगे? आ जाने चाहिए 67 आ जाने। 67, ओके। क्या नाम है तुम्हारा? आकृति। कैसा गया एग्जाम तुम्हारा? बहुत अच्छा। क्वेश्चन का स्तर कैसा था? अच्छा था। अच्छे अंक आएंगे ना? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मोनिका कुमारी। कैसा गया एग्जाम आज? बहुत अच्छा। क्वेश्चन का स्तर कैसा था? बहुत अच्छा था। अच्छा था। तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया, एकदम इजी क्वेश्चन था। छोटी एग्जाम कैसा गया तुम्हारा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कैसा गया एग्जाम तुम्हारा? बहुत अच्छा। क्वेश्चन का स्तर कैसा था? बहुत अच्छा। सारे प्रश्न लिखे थे ना? हाँ। तुम्हारा कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा। एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। क्वेश्चन कैसा था? बहुत अच्छा। क्वेश्चन का स्तर कैसा था? अच्छा था। कैसा था एग्जाम? अच्छा है। आपका एग्जाम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एग्जाम कैसा? बहुत अच्छा गया। तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया। सोशल साइंस कैसे क्वेश्चन आए थे? ठीक ही आया था। हार्ड क्वेश्चन था या आसान? आसान ही था, फेमस देने। क्या नाम है आपका? मोना कुमार। कहाँ से आई है? टेगरा से। कैसा रहा आपका एग्जाम? ठीक था। क्वेश्चन कैसा था एग्जाम का? एग्जाम का क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन ठीक था, आसान। आपने सारे क्वेश्चन बनाए? हाँ। 80 में कितने अंक आने की संभावना है आपको? 70 आ गया। 70। अच्छा, क्या बनना चाहती है आप? पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आप सबका केवी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूँ आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक परीक्षा चल रही है, और इसी कड़ी में आज हम आए हुए हैं MRJD कॉलेज बिशनपुर बेगूसराय। तो यहाँ पर काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल में बेहतरीन परीक्षा चल रही है, और आज सोशल साइंस का एग्जाम है। परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद एग्जाम ओवर होगा और वो परीक्षार्थी बाहर आएंगे। यहाँ जो बच्चों के पेरेंट्स आए हुए हैं, छात्र के परीक्षार्थी के जो पेरेंट्स आए हैं, उनसे भी मिलेंगे और जानेंगे किस तरह से वो अपने समय को काट रहे हैं यहाँ पर। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो कहाँ से आए हैं, उनका कौन सा बच्चा एग्जाम दे रहा है, और उनके बच्चे की तैयारी कैसी है। साथ ही साथ
यहाँ जो एग्जाम देने के बाद बच्चे बाहर आएंगे तो उन बच्चों से जानेंगे कि आज का एग्जाम कैसा गया, और इस कोविड काल में जब विद्यालय बंद रहे, शिक्षण संस्थान ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को एजुकेशन दे रहा था, तो हम उनसे मिलेंगे और उनकी तैयारी जानेंगे। मेरा नाम राहुल कुमार। कहाँ से आए? रामदेरी से। किसको एग्जाम दिलवा रहे हैं यहाँ पे? हमारी कजिन है। कजिन है, तो कोविड काल में तैयारी कैसी रही बच्चे की? वो घर पर ही तैयारी रहा ना। एग्जाम का सब माहौल कैसा है यहाँ पर? ठीक है, आती है एग्जाम देख करके तो ठीक ही बताती है। कहाँ से आए सर आप? सामो से। सामो से। किसको एग्जाम दिलवा रहे हैं? भगनी का। भगनी का, तो कैसा एग्जाम चल रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा चल रहा। जब बच्चे बाहर आते तो बात करते हैं कैसा एग्जाम जा रहा है उनका? बोला बहुत अच्छा जा रहा। अच्छा जा रहा है। कुछ और पेरेंट्स हैं उनसे मिलते हैं, इन सबका कहना कि परीक्षार्थी का परीक्षा काफी अच्छा जा रहा है। सर कहाँ से आए आप? रामदीरी से आए। रामदीरी से आए, किसको एग्जाम दिला रहे हैं? अपनी बच्ची को दिलवा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, कोविड काल में विद्यालय बंद रहे, शिक्षण संस्थान बंद रहे, ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा था, तो तैयारी कैसी रही बच्ची की और कैसा रिजल्ट आने की संभावना है? ऑनलाइन कोविड के कारण तो बच्चे लोग का एजुकेशन जो था वो काफ़ी हद तक तो ठीक नहीं रहा, और इसमें ऑनलाइन पढ़ाई क्या हो रही थी ये आप और हम समझ सकते हैं, और बच्चे जो एग्ज़ाम अभी दे रही है वो अपने अनुसार जो पढ़ाई की है ऑनलाइन से वो ठीक ही जा रहा है अभी तो। यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको? माहौल तो ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत तो है नहीं। कहाँ से आए आप? बाजितपुर से। किसको एग्जाम दिला रहे हैं? भतीजी के। यहाँ का माहौल कैसा है एग्जाम का? सब ठीक है। तो जब बच्ची से आप बात करती होंगी तो कैसा कहती है एग्जाम कैसा जा रहा है? बच्ची से बात कर रहा था, बोल रहा ठीक है, चल रहा, ठीक चल रहा है एग्जाम। कुछ और पेरेंट्स हैं उनसे, कहाँ से आई आप? हम यहाँ बाघा मिलन चौक से हैं। किसको एग्जाम दिलवा रही हैं? हम अपने बेटी को दिला रहे हैं। कैसा जा रहा बेटी का एग्जाम? वो तो जितना पढ़ी थी उतना लिख रही है। कोविड काल में स्कूल बंद रहा, शिक्षण संस्थान बंद रहे, ऑनलाइन एजुकेशन मिला, तो कैसी तैयारी थी? तैयारी तो घर में कर रही थी। पढ़ रही थी घर में अच्छे से? बहुत अच्छा से पढ़ रही थी। तो रिजल्ट अच्छा आएगा ना? बिल्कुल आएगा, पढ़ी थी तो हमको तो लग रहा है आएगा। अब हम तो रामदेरी से आए। किसको एग्जाम दिलाने के लिए आए? बच्चिया को। कैसा जा रहा है एग्जाम? ठीक है जा रहा। खड़िया से आए हैं अपनी लड़की को एग्जाम दिलवाने के लिए। ठीक जा रहा। स्कूल बंद था, तैयारी कैसी रही? फिर भी वो कोचिंग करती थी, कोचिंग जाती थी, ऑनलाइन क्लास करती थी। जब बच्चा एग्जाम देके बाहर आता है तो उसे बात करते हैं तो कैसे क्या बोलती है? बोलती है मम्मी बनाए हैं, ठीक बनाए हैं। कहाँ से आई हैं आप? उलास से। किसको एग्जाम दिलवा रही हैं? नतनी के। कैसा जा रहा है नतनी का एग्जाम? ठीक है जा रहा है। बात करते होंगे उससे? नहीं, मतलब जब वो बाहर आती है तो बात करते हैं ना। हाँ। तो क्या बोलती है? अब कुछ नहीं बोलते हैं कि लिखते हैं अच्छे से। ये बोलती है ना? हाँ। एग्जाम अच्छा गया है? हाँ। घर में तैयारी चल रही है उसके अच्छे से? हाँ, मास्टर भी है। कहाँ से आप आई हैं? हम रामदेरी से आए हैं। रामदेरी से। किसको एग्जाम दिला रहे हैं? हम लड़की को एग्जाम दिला रहे हैं। एग्जाम ठीक जा रहा है। जब बेटी बाहर आती होगी तो या घर जाती है तो बात करते हुए तो क्या बोलती, कैसा जा रहा है एग्जाम? एकदम अच्छा जा रहा है एग्जाम। अच्छा जा रहा है। हाँ। तैयारी कैसी है उसकी? एकदम ठीक है तैयारी। कोविड काल में स्कूल बंद रहा तो कोचिंग संस्थान तो फिर खुला नहीं धर से, एक महीना के अंदर तैयार सर करवाए। अच्छा, आप लोग यहाँ इंतजार करते हैं तो 3 घंटा, मतलब वहाँ तो बच्चा का तो टाइम बीत जाता है, आप लोग का टाइम कैसे बीतता है? हम लोग यही रोड पर बैठकर टाइम बिता रहे हैं। 3 घंटे के पीछा क्या कर सकते हैं, और गार्जियन को तो रोड पर ही ना टाइम बिताना पड़ेगा। 3 घंटा हम लोग बैठ के इधर उधर घूम के बिता देते हैं, घर का भी काम रहता है, कुछ भी रहता है, बच्चे को अंदर किए फिर वो काम कर लिए। कैसा जा रहा है एग्जाम बच्चे का? एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ, गौरातेघरा के पास से। अपने भतीजी को। कैसा जा रहा है एग्जाम यहाँ पे? एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा है। यहाँ का माहौल सेंटर का कैसा है? सेंटर का माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पे। 3 घंटा का टाइम कैसे बीतता है वहाँ पे? स्टूडेंट का तो अंदर में एग्जाम देने वक्त तो अच्छा जाता होगा, हम लोग का यहाँ पे बैठे रहते हैं और क्या, बोरिंग सा लगता है थोड़ा। कहाँ से आए हैं? रामदेरी से। किसको दिला रहे एग्जाम? बहन है। कैसे एग्जाम की तैयारी ऑनलाइन? एग्ज़ाम की तैयारी कुछ तो ऑनलाइन हुई है, कुछ टीचर लोग अपने घर पे बुला करके अपना सेल्फ स्टडी करवा के या रटवा के जो भी है अपना ढंग से किए हैं। अच्छा तैयारी है ना? अच्छा एग्जाम। हाँ, बच्चे का तो तैयारी अपने ऊपर तो सेल्फ प्रेफरेंस लेकर के अपना किए है। कटता कैसे है? 3 घंटा कट जाता है, बगल में रूम है अपना, वहीं पर एडजस्ट करके। चित्रौर से। कौन दे रहा है एग्जाम यहाँ? मेरी लड़की दे रही है। और कैसा माहौल है यहाँ पर अभी? माहौल तो अच्छा है। तैयारी बच्चे की? बच्चे की तैयारी है। कोरोना काल में स्कूल बंद रहा, कोचिंग बंद रहा, ट्यूशन पढ़ा के। तो वहाँ बच्चे 3 घंटे लगातार एग्जाम देते हैं तो उनका टाइम तो एग्जाम में चला जाता है, आप लोग कैसे टाइम बिताते हैं? हम लोग बैठ के टाइम बिताते हैं, इधर उधर बैठ के और कहाँ बिताएंगे टाइम। से आए हैं? रमजानपुर। किसको एग्जाम दिलवा रहे हैं? अपनी बच्ची को। कैसा जा रहा है यहाँ पर एग्जाम, माहौल कैसा है? अच्छा माहौल जा रहा है।
तैयारी कैसी थी बच्ची की? बहुत अच्छी किया है। अच्छा एग्जाम जा रहा है ना? जी। तो आप लोग समय कैसे काटते हैं यहाँ पर? हम अभी आए हैं, बच्ची को छोड़ के चले गए थे और फिर इस टाइम हो गया तो लेने के लिए। सवारी उबारी तो है नहीं, वो ही सवारी चढ़ा देंगे, फिर हम साइकिल से फिर से निकल जाएंगे। अब बरौनी मालती बस्ती से। किसको दिला रहे हैं एग्जाम? बच्ची को। कैसा जा रहा है यहाँ पर एग्जाम, माहौल कैसा है यहाँ पर? बढ़िया है, अभी तो माहौल यहाँ शांति है। तो वहाँ बच्चे एग्जाम देते हैं, उनका समय तो बीत जाता होगा, लेकिन आपका यहाँ बाहर में बैठकर तीन घंटा। गार्जियन लोग को बहुत परेशानी है, बैठने उठने का व्यवस्था नहीं है, पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, रोड में आने जाने में बहुत परेशानी है, काफ़ी दिक्कत है, ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, रोड पर कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण आने जाने में बहुत असुविधा है। किसको एग्जाम दिलवा रही है? लड़की को। कैसा जा रहा है यहाँ पर? ठीक है। कोई दिक्कत भी हो रहा है आप लोग? दिक्कत पानी का ही दिक्कत, और कुछ करना। तीन घंटा आप लोग कैसे बिताते हैं यहाँ पर? बैठ के बिता रहे हैं और क्या करेंगे। कहाँ से आई हैं? कपस्या से आई। किसको एग्जाम दिलवा रही हैं? बहन का एग्जाम। बहन का एग्जाम। कैसा जा रहा है एग्जाम और यहाँ का माहौल कैसा है? शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है एग्जाम, मोबाइल चला के किसी तरह टाइम व्यतीत कर रहे हैं। दिक्कत इस सेंटर पे? जी नहीं। एग्जाम ओवर हो चुका है, परीक्षार्थी परीक्षा देकर अब परीक्षा सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। इन परीक्षार्थियों से बात करेंगे और जानेंगे कि आज का सवाल का स्तर कैसा था और उनका एग्जाम कैसा गया। क्या नाम है आपका? अफसाना। कैसा रहा एग्जाम आपका? बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? अनन्या राज। क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर। कैसा रहा आपका एग्जाम? बेस्ट रहा। क्वेश्चन के स्तर कैसे थे? मीडियम था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? सारे। अच्छे अंक आएंगे ना? या। क्या नाम है तुम्हारा? रोशनी कुमारी। रोशनी कैसा रहा एग्जाम आपका? बहुत ही अच्छा। 80 में कितने अंक आने की संभावना है? 80 में 80 आ सकता है हमको, हम पूरा सारे प्रश्न बनाए। हाँ सारा बना है। ऋचा कुमारी। कहाँ से आई हैं आप? रजोड़ा से। किस स्कूल की छात्रा हैं? स्वामी विवेकानंद। आज का एग्जाम कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्वेश्चन के स्तर कैसे थे? क्वेश्चन कैसा था? बहुत अच्छा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने टोटल? तो 80 में कितने अंक आएंगे? एक दो घटेगा वैसे आ जाएगा पूरा पूरा। कैसा रहा दीदी का एग्जाम? ठीक ठाक। दीदी से बात किया? अच्छा आप यहाँ टीचर थी, यहाँ का माहौल कैसा सेंटर का? बहुत अच्छा माहौल है, कदाचार मुक्त परीक्षा हो रहा है।